तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास को समझाइए। क्वेश्चन अच्छा है कि भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास को समझाइए, कहने का मतलब क्या है कि जो भारत में एजुकेशन दी जा रही है वो किस किस लेवल पे प्रोवाइड करवाई जाती है, मतलब किस किस स्तर पर वो जो एजुकेशन दी जाती है भारत में कौन कौन से उसके स्तर हैं। तो निम्नलिखित अवलोकन भारत में शिक्षा के विकास को दर्शाते हैं। पहला जो आपका है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, भारत में शिक्षा कई स्तरों पर दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा में पहली से आठवीं श्रेणी तक दी जाती है, मतलब जो आपके प्राइमरी जो एजुकेशन होती है उसमें हम पहले से आठवीं तक को शामिल करते हैं। इस श्रेणी में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले विद्यार्थी शामिल हो, मतलब कि जो ये आपकी प्राइमरी जो एजुकेशन होती है इसमें 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, आयु वाले विद्यार्थियों को शामिल किया था। वर्तमान समय में प्राथमिक विश्वविद्यालयों में भारी वृद्धि, मतलब आज के समय जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा इसका विस्तार हुआ है, परंतु सामाजिक और आर्थिक रूप से आज भी लोग पिछड़े हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारे यहाँ की रियलिटी है तो वो कहने की सोशल और इकोनॉमिक तौर पर अगर देखा जाएगा तो वहाँ पर कहने की आज भी लोग पीछे, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एजुकेशन पूरी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। दूसरा इसका पॉइंट है, दूसरा जो स्तर है तो माध्यमिक शिक्षा, मतलब जो बीच में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष की आयु वाले विद्यार्थियों को माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में 60% माध्यमिक शिक्षा में वृद्धि हुई, मतलब ये आज के समय में जो हमारा ये लगभग 60% बढ़ गया है। और नेक्स्ट आपका उच्च शिक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। लगभग 903 विश्वविद्यालय देश में उच्चतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा सा आपका बिल्कुल याद रखना क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो होता है हमारे करंट अपडेट होते रहते हैं। ये जो आंकड़े आपके, ये आपके आंकड़े 2019 के हैं। इसमें लगभग 44% केंद्र विद्यालय हैं तथा उच्चतर शिक्षा में सामान्य शिक्षा तकनीकी कामा चिकित्सा तथा व्यावसायिक और शिक्षा को सम्मिलित किया, मतलब इसके अंदर जो आता है जैसे कि आपका चिकित्सा से संबंधित जो शिक्षा है, मतलब जैसे कि हॉस्पिटल में देखो वहाँ पर सिखाया भी जाता है, वाली एजुकेशन दी जाती है, तकनीक से रिलेटेड होती है इसमें। और तकनीकी चिकित्सक तथा कृषि संबंधित शिक्षा, हाँ ये भी हमारे क्या होता है कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि तकनीकी चिकित्सा तथा कृषि से संबंधित भी एजुकेशन दी जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात तकनीकी व्यवसाय तथा चिकित्सा संबंधी शिक्षा में विस्तार हुआ है। क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर डिग्री प्रदान की जाती है जिससे व्यक्ति के कौशल तथा निपुणता का पता चलता है, मतलब कि कुछ लोग एग्रीकल्चर को सब्जेक्ट बना के पढ़ते हैं, कुछ लोग तकनीक को, या फिर कोई डॉक्टर से संबंधित होता है, तो उसको लास्ट में जो उसकी एजुकेशन कम्प्लीट हो जाती है तो उसको क्या आती है कि उसको डिग्री प्रोवाइड की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंदर उसका कौशल निपुणता बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या स्पष्ट की। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं एक बार और कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर का पूछा जाता है, वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो। तो क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो भारत में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है क्या वो बिल्कुल प्रॉपर है, मतलब क्या सभी को मिल रहा है, नहीं मिल रही है, आपको भी पता है। तो कहने का मतलब कि वो आज हमारे लिए या फिर हम सभी के लिए या हमारी गवर्नमेंट के लिए आज एक चुनौतीपूर्ण समस्या है कि नहीं। जी बिल्कुल है। तो निम्नलिखित अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। ठीक है, अब देखते हैं चुनौतीपूर्ण समस्या क्यों है। वित्त का अभाव, वित्त का मतलब होता है पैसा। भारत में कई इलाकों में आज भी विद्यार्थी वित्त के अभाव के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। कहने का मतलब कि भारत में आपने देखा होगा बहुत से ऐसी फैमिली होते हैं जहाँ पर क्या होता है पैसे के कारण लोग होते हैं कि अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं या फिर वो कर नहीं पाते, तथा उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है। सिंपल से कि भारत में आपने देखा होगा बेसिकली हम कह सकते हैं ग्रामीण एरियाज होते हैं तो वहाँ पर ऐसे बहुत सी फैमिली होंगी जहाँ पर लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवाते। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि उनके पास पैसे का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट आपका है शिक्षा केंद्रों की दूरी।
भारत शिक्षा से वंचित है। हाँ ये, लेकिन अब ये चीज़ अगर मैं कहूँ तो काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे अब इम्प्रूव हो रही है इसमें। लेकिन एक टाइम हुआ करता था कि जो शिक्षा के जो केंद्र होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में वो काफ़ी दूर होते, जैसे कि एक दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर जो विद्यार्थियों को पैदल चल कर जाना पड़ता था, जिस कारण विद्यार्थी क्या होते थे कि मजबूरन वो अपनी पढ़ाई को उन्हें वंचित रहना पड़ता था या फिर वहीं उसको छोड़ देते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक भेदभाव। ये तो आप जानते हो, ग्रामीण समाज में आज भी जातिगत भेदभाव पाए जाते हैं तथा निम्न जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने पर रोक लगाई जाती है जिससे वे अशिक्षित रहे। मतलब आज भी हमें देखने को मिलता है जो भेदभाव जैसी चीज़ें कि जो वहाँ पर छोटी जाति के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अगर वहाँ अगर छोटी जाति का कोई व्यक्ति अगर कोई बच्चे फिर शिक्षा लेना चाहते हैं तो उसे उस पर रोक लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वो आगे चलकर अशिक्षित रह जाता है। शिक्षा पर कम व्यय, सरकार द्वारा शिक्षा पर अधिक व्यय नहीं किया जाता जिससे विद्यालयों में शिक्षा का स्तर निम्न होता। मतलब आज भी अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो शिक्षा पर जो प्रॉपर खर्चा होना चाहिए वहाँ पर नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है तो उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, या फिर जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आधारिक संरचना होती है उस पर सरकार अच्छा पैसा नहीं खर्च करती। तो ये क्या है, बहुत बड़ी कमी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। हाँ लेकिन एक बात और मैं आपको कहूँगा कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।